नमस्कार दोस्तों, जनसुलभ पुस्तकालय के मंच पर मैं पंखुरी सिन्हा आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको नए साल की पुनः शुभकामनाएं, और सबसे पहले तो धन्यवाद जनसुलभ पुस्तकालय का, भाई अर्पण कुमार जी का, जिन्होंने ये मंच दिया। वो स्वयं ही बड़े अच्छे कवि हैं, रणवीर सेना से लेकर बच्चों के मसलों से लेकर राजधानी की सड़कों और पार्लियामेंट तक पर बड़ी ज़हीन कविताएं लिखते हैं। तो उनके द्वारा ये मंच दिया जाना मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, और उन्होंने कहा कि आप कविता पाठ भी कीजिए और आपके भीतर का जो रचनाकार है उसकी रचनाशीलता पर, उसकी रचना प्रक्रिया पर भी बातें कीजिए। तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उन्हें सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले नमस्कार आप सभी दोस्तों का जो आप यहाँ आ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मुझे लगता है कि मैं सबको अंत में नाम के साथ धन्यवाद दूंगी, अनलेस कि किसी की टिप्पणी। जी, अभी तो हमारे मेज़बान ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत नमस्कार पुनः, और आपका अभिनंदन है आपके अपने इस पुस्तकालय में। कई बहुत अच्छी कोशिश है ये पुस्तकों को इस तरह से सामने लाने की, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद करती हूँ। और अब बिना ज़्यादा औपचारिकताओं के अपनी बात रखना शुरू करती हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो ये पोस्टर अर्पण जी ने बनाया मेरे लिए, ये बहुत, पहले तो मैं इसके लिए भी धन्यवाद दूंगी कि इसमें इन्होंने मेरी पांचों किताबों की मतलब उनके चित्रों को शामिल किया, उनकी छवि को शामिल किया। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी होती है। रचनाकार को अपने किताब से बहुत लगाव होता है, अपनी किताब से, और हम सबको किताबों से ही लगाव है। जैसे अर्पण जी की जो किताबें मैंने ली उनसे भी लगाव है। तमाम कविताएं बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं, सारी किताबों में मुझे कविताओं की किताबें खरीदने का भी शौक है, लेकिन मुझे लगता है कि पुस्तकालय का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। तो बहरहाल, जो पहली कविता मैं सुनाती हूँ, कविता से ही शुरुआत करती हूँ और फिर रचना प्रक्रिया पे आऊंगी। नमस्कार है शिखर त्रिपाठी जी, बहुत नमस्कार है, बहुत स्वागत। मैं एक कविता कोरोना पर ही सुनाती हूँ, जो ये बिल्कुल तभी तभी लिखी गई जब हम सब कहिए कि औचक और भौचक ही थे कि ये क्या हो रहा है। मतलब कहाँ तो ये महामारी जो है ये वुहान में कुछ हो रहा था, और कहाँ ये हवाई जहाज पे बैठ के ऐसे आए कि हमारे मजदूर लॉकडाउन के दिन बाहर निकले और फिर लंबी पदयात्राएं उन्होंने की, और फिर उसके बाद जब क्वारंटीन सेंटर में उनके खाने वगैरह के बाद ये सवाल उठा कि जो यहाँ के लोकल मजदूर हैं उनका जो सारा काम बंद है। यहाँ से मेरा मतलब है फिलहाल, जैसे कि मैं कोविड में बिहार में मुजफ्फरपुर में फंस गई और मैं यहीं हूँ, मैं मूलतः यहीं से हूँ। हालांकि इतने लंबे समय तक, जैसे 1 साल लगातार यहाँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत समय के बाद, सालों बाद रही, लेकिन मुझे लगा कि वही बेहतर है। दिल्ली में तो बहुत कुछ हो रहा था, एक समय यहाँ भी ऐसा था कि जब यहाँ की पूरी मेडिकल गली बंद हो गई थी, जो हॉस्पिटल का इलाका है वो पूरा सील हो चुका था, सारे डॉक्टर्स पॉजिटिव थे। तो ये सब कुछ हर शहर ने देखा होगा, मुझे लगता है। तो इस बीमारी ने हम सबको विज्ञान ही नहीं, सब कुछ के प्रति, हमारी जो विकास गाथा है उसको भी एक बार फिर से एक नई नज़र से देखने के लिए बाध्य किया। उन्हीं दिनों की एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ, और जैसा कि कवि करता है, कवयित्री करती है, कि वो अपनी रचना प्रक्रिया में एक गहरी जो आयरनी है, जो सटायर है, जो व्यंग्य का पुट है, जो प्रहार है व्यवस्था पर, उसको कई तरहों से करता है। वो कोशिश इसमें है, और उसमें थोड़ा सा मैं कहूँगी कि हास्य रस तो नहीं है, क्योंकि ये कवि की अपनी भीरुता पे कहा जा रहा है, लेकिन क्या कहें, आपको जोड़ने के लिए एक मनोविनोद का भाव इसमें मैंने डाला है। कविता का शीर्षक है कोरोना, बेचारगी और विडंबनाएं। कैसा खुलासा था हमारी बेचारगी का, कैसा
कैसा खुलासा था हमारी बेचारगी का कि मिटाने के लिए स्थानीय श्रमिकों की भी भूख। शुरू किया जा रहा था दोबारा भवन निर्माण। जब तक इसकी चर्चा हो रही थी दूरस्थ भोपाल में ठीक था सब। बहुत परेशान थी शहर की एक अग्रणी कवयित्री, और ये मैं उनको दोबारा साधुवाद करती हूँ, आप सब बिना नाम लिए समझ जाएंगे, उन्होंने फेसबुक पर भी बहुत लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की अग्रणी कवयित्री घूम रही थी शहर भर में करती भूखों की सहायता, साधुवाद पहुँचे उन्हें। किंतु जैसे ही अब भवन निर्माण पहुँचा मेरी गली में, खड़े हो गए मेरे रोंगटे, चौकन्ने हो गए आंख कान, बढ़ गई दिल की धड़कन, सांसत में प्राण, जब ऐन मेरी खिड़की के सामने होने लगा भवन निर्माण। सोचने लग गई मैं करने के बारे में फोन, पहुंचाने को उन डॉक्टरों तक संदेश, जिनका बन रहा है यह हड्डी अस्पताल, कि जरा करें इंतजार और, कि जरा इंतजार करें और, कि मुजफ्फरपुर नामक इस छोटे से शहर में, जहां अब तक आई हैं इक्की दुक्की ही खबरें संदिग्ध केसेस की, कहीं फैल न जाए महामारी, यहां ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, प्लाज्मा ट्रीटमेंट दूर की बात है। धन्यवाद रजत कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद। ये व्यंग्य की कविता है कि कई बार हम ऐसे प्रेरित होते हैं, और वाकई जैसे उनका कवयित्री ने किया, उन्होंने बहुत से फंसे हुए छत्तीसगढ़ के मजदूरों की बहुत सहायता की। लेकिन ये यहाँ जो मैंने अपने मैं की भीरुता की कथा कही है वो जनसाधारण की ओर से है जो आंदोलनकारी नहीं है और ये सोच रहा है कि शहर में तो ऑक्सीजन सिलेंडर दूर की बात है, यहाँ प्लाज्मा ट्रीटमेंट दूर की बात है, अगर बीमारी फैली तो क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि निदान तो भवन निर्माण नहीं होना चाहिए ना, तो ये मतलब था। लेकिन अभी इसमें दो स्टैंजास और हैं। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं प्लाज्मा ट्रीटमेंट दूर की बात है दोस्तों, यह केवल चेतावनी नहीं, भीरूपना भी नहीं, यह कविता एक कोशिश है ढूंढने का निदान, कि निकाला कैसे जाए गरीबी के दुष्चक्र से, किस तरह की जाए बाल मजदूरी अनिवार्य बनाई, किस तरह बंद की जाए बाल मजदूरी अनिवार्य बनाई जाए शिक्षा, जुटाई जाए तमाम नौकरियां, उठाया जाए दो बच्चों का नारा, ताकि अगली बार अगर हो लॉकडाउन तो भिक्षा में फैलाए हाथ, सड़क पर निकले नहीं कोई मजदूर। तो ये एक हृदय विदारक स्थिति थी जिसे हम सब ने साझा किया, जिससे हम सब रूबरू हुए और जिसने झकझोरा हमको, तो उससे ये कविता निकली। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यहाँ मेरी अपनी बात ये है कि मुझे पर्यावरण की ही चिंता नहीं है, मुझे जनसंख्या विस्फोट की भी चिंता है, और मुझे लगता है कि मेरी कई कविताओं में वो बात आई है। तो इस तरह से कुछ एक ओवरलाइन थीम्स मैं पहले रख देना चाहती थी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है शिखर जी और रजत जी, आपको कविता आपको पसंद आई तो सार्थक हुआ। और ये कविता नीलाक्षर नाम के एक संग्रह में आ रही है, जो कहिए कि प्रेस में है, प्रकाशनाधीन है लोकोदय प्रकाशन से। और अब मैं शुरुआत करती हूँ कि दरअसल मेरी जो विधिवत लिखने की कथा है वो कविता से ही शुरू हुई, ये इंद्रप्रस्थ कॉलेज की बात है। और मेरा संग्रह बल्कि पहले कहानियों का आया, तभी मैंने कहानियाँ भी लिखनी शुरू की थी, लेकिन पहला संग्रह कविताओं का लौटने के बाद विदेश से, मैं 14 साल तक नॉर्थ अमेरिका में थी, रक्तिम संधियाँ, ऐसा संयोग है कि वो किताब अभी मेरे पास है नहीं, उसकी अनंत कविताएं यूट्यूब पर भी हैं, बहुत कुछ है उसमें, बहुत सी कविताएं हैं, हमारी तकलीफ़ों की रिपोर्ट है उसमें, अनारकली एक शीर्षक कविता है जो भी मेडिकल साइंस से जुड़ती हुई है, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रही हूँ।
कि जैसे बहुत देर से कोई मर्ज पकड़ में आए या डॉक्टर को दिखाया जाए और उससे किस तरह दर्द बढ़ता है उसकी कथा है। तो कई बार हमारी विकास गाथा के साथ ही यह हुआ है। इस तरह की उसमें कई कविताएं हैं, उसमें प्रवास जिसका मतलब अपने मूल गांव, अपने मूल शहर से बाहर देश की राजधानी या अन्य महानगर में रहना भी है और कागज़ पत्तर की झंझटों के साथ विदेश में रहना भी है, उस पर भी बहुत कविताएं हैं। जैसे कि छींगा मात चोर चोरी, जो एक नॉस्टैल्जिया की कविता है, एक लम्हे को याद करते हुए कि किस तरह से बाहर जल्दी जल्दी काम करने के समय में हम जो है ब्रेड सेक कर खा लेते हैं, और कभी कभी उसमें भी हमें बड़ा सुकून मिलता है। वो एक काम का सुकून है, वो एक दूसरे किस्म का वर्क सेटिस्फैक्शन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें खुशनुमा परिवार के साथ बिताए हुए लम्हे याद नहीं आ रहे, कि जब हम आराम से झींगा माछ की चोर चोरी बनाया करते थे। थोड़ा सा बंगाली प्रभाव है क्योंकि बहुत से मेरे बंगाली मित्र रहे, तो इस तरह की बहुत सी उसमें कविताएं हैं। उसमें मेरे शहर पर भी एक कविता है जिसे बहुत स्नेह मिला है लोगों का, खुदेराम बोस के शहर से। और वो कविता दरअसल पानी की राजनीति से लेके खुदेराम बोस से जुड़ती है, आंदोलन से जुड़ती है वो स्वाधीनता के। और उसकी शुरुआती पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं खुदीराम बोस के शहर में, कि वो रिश्ता जो पानी का प्यास से है, वो नियंत्रण पे फिर बात चली जाती है, वो तय हो रहा हो आपके स्नानागार में। और दरअसल फिर वो स्त्री विमर्श से जुड़ती है, जब से छोड़ा हो आपने अपने पति का घर और लिया हो एक मकान किराए पर। और फिर वो स्त्री विमर्श और स्त्री स्वाभिमान और उसकी अस्मिता की कविता भी बनती है, और होते होते फिर वो पूरी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ती है। वो मेरे प्रवासी संघर्ष की कविता है, लेकिन उसको मैंने अपने शहर की पृष्ठभूमि में लिखा है। और मुझे लगता है कि आप सभी दोस्त जानते होंगे कि ये जो शहर है मुजफ्फरपुर, यहीं पर खुदीराम बोस ने पहली बार बम फेंका था एक अंग्रेज़ अफसर पर। और उसकी कथा भी इसी तरह से है कि वो भाग रहे थे, उसके बाद वो बचकर निकल गए, वो मारा गया वो बम फेंकने के बाद, भाग रहे थे और पानी कहीं पीने के लिए रुके थे, और लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद वो बच गया, ये मर गया लेकिन वो बच गया। और उसके मुंह से निकला कि अरे बच गया, और उसकी आवाज़ से पहचान लिया लोगों ने, तो पानी मांगने के चक्कर में। तो ये पूरा उसमें जिक्र आता है। तो इस तरह की मेरी कविताएं हैं, आप कहिए कि जटिल मनोभावों की भी और थोड़ी जटिल अभिव्यक्ति भी, लेकिन मैं कहूँगी कि दरअसल बहुत सरल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे मतलब इतना प्यार उसको मिला है। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि YouTube पर ही हम ये अक्सर सुनते हैं कि कविता में अगर बाजारवाद कम है, अगर वो केवल और केवल प्रेम की कविताएं नहीं हैं जो देह से जुड़ती हुई हैं, तो शायद वो कम बिकती हैं। कोई मलाल नहीं, कोई अफसोस नहीं, बिकी भी हैं कविताएं। आज और अभी ही मुझे एक बहुत प्यारी मेरी दोस्त, एक लड़की ने बताया है शांति निकेतन से मैसेज करके, कि उसने मेरा तीसरा कविता संग्रह, जो मेरे कवर पेज पर भी है, चौथा बल्कि, उसे सुबह ये मंगवाया अभी अभी अमेजोन से और आज ही पहुंचा है। तो खैर ये सब मैं यूं ही कह रही हूँ, लेकिन उस तक पहुँचूंगी। उसमें किसानों से जुड़ी हुई भी बहुत कविताएं हैं, लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ कि सिलसिलेवार ढंग से चलूँ। तो धन्यवाद वकील साहब जी को, बहुत धन्यवाद है, आपको पसंद आ रही है मेरी बातें। तो पहले संग्रह रक्तिम संध्या में ही एक कविता है, FIR दायर करो। अच्छा, उसका जो शीर्षक है रक्तिम संध्या, वो भी इसी तरह से है कि दरअसल हमें कितनी उसका अनुवाद अगर हम करें तो वो ब्लड जाइज नहीं है, ऐसी संध्या जो दरअसल मतलब जिनको करने में हमारा खून लगा है, खून सूखता भी है, और मतलब कहिए कि खून की देख कीमत देकर जो समझौते किए गए, मतलब ऐसे समझौते नहीं जहां हमने अपने सिद्धांतों के साथ समझौते किए, लेकिन बहुत से समझौते हमें, मतलब ये आप समझने की कोशिश कीजिए इस बात को, कि कभी कभी लड़कियों का ये आक्रोश ऐसा होता है कि एक ऐसे सड़क पर हम चलने को बाध्य हैं जहां निरंतर लड़कियों पर हमले होते हैं।
वो भी एक समझौता ही है। इस दुनिया के साथ हम लगातार अपनी बातों के माध्यम से एक वार्तालाप करते हैं, लेकिन समझौता तो ये भी है कि हमें उस नौ बदलती हुई स्थिति को स्वीकार करना है और लगातार बदलने की कोशिश करनी है, अपनी मांगे रखनी है आगे कि कैसे ये दुनिया और सुरक्षित हो, कि कैसे ये दुनिया स्त्रियों के लायक थोड़ी और महफूज हो। थोड़ा गहरा स्त्री विमर्श मैंने यहाँ कह दिया है, आशा है कि आप अन्यथा नहीं लेंगे। नमस्ते विनीता जी, धन्यवाद, स्वागत है आपका। तो इस किस्म के, और ये केवल स्त्रियों की ओर से ही नहीं है, आप सभी लोगों की ओर से है, आप सब उस हिंसा को झेल रहे हैं। अभी अभी लाल किले में इतना बड़ा हादसा हो गया, एक किसान शहीद हो गया। अब हिंसा हो सकती है ना, अगर आप इतनी ठंड में इतने महीनों से बाहर बैठे हैं तो आपको जरूर कष्ट होगा, आपको जरूर कष्ट होगा। और ये सवाल भी उठ रहा है कि किसान कहाँ से खा रहे हैं, क्या वो पिज्ज़ा मंगा के खा रहे हैं, क्या वो बटर चिकन खा रहे हैं। ये सवाल तो दूसरे, मतलब सेकेंडरी होना चाहिए, ये है कि वो इतनी ठंड में कैंप लगा के, महिलाएं भी वहाँ बैठी हैं, सब हैं, कृषि विरोधी कानून को लेकर। तो क्या अब इस हिंसा के बाद उनकी मांग थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कानून सचमुच कृषि विरोधी है तो कृषि मंत्री को तो इस पे कहना ही चाहिए। मैं राजनीति ज़्यादा नहीं बात करूंगी, सिवाय ये कहने के कि खेती किसानी से भी प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई बहुत सी कविताएं हैं मेरे पास, और उनकी रचना प्रक्रिया ये है कि वो इस आंदोलन से पहले, इस कानून से पहले भी लिखी गई। मतलब मेरी एक कविता जीएमटी पर भी है, जीएमटी कानून जब आया था उस पर भी। लेकिन ये कि मुझे ये लगता है कि पर्यावरण हमारे देश का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा होना चाहिए। आज बीबीसी की हेडलाइन में भी नए अमेरिकी प्रशासन की ओर से पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों में जुड़ने की बात है, तो वो एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए हर किसी के लिए यहाँ। इसलिए मुझे लगता है कि उसकी उपस्थिति है लगातार मेरी कविताओं में, खासकर तमाम बातों के साथ साथ। तो एक कविता जिसका मैं आखिरी जिक्र करके अपने पहले संग्रह से आगे बढ़ना चाहती हूँ, वो वही है, FIR दायर करो। और शब्दशः मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरह से है कि मारा गया जो आदमी चौक में कल, कौन था तुम्हारा। और इस तरह से करके वो कविता बढ़ती, माना कि हम जुलूस में शामिल हुए, माना कि हमारे पास जमीर था, माना कि हमने नारे लगाए, लेकिन क्या कि FIR दायर करो। FIR कितने दायर होते हैं, उनके तहकीकात की भी गुहार करती हुई वो कविता है। और दोस्तों, अब मैं अपने दूसरे संग्रह की बात करती हूँ। बहुत नमस्कार है भागचंद गुर्जर जी को, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत, अभिनंदन, बड़ी खुशी हुई कि आप आए, अपना कीमती वक्त आपने निकाला। दोस्तों, भागचंद गुर्जर जी बहुत खास मित्र हैं, इनके साथ PLF में भेंट हुई, मुझे इनके घर जाने का भी सौभाग्य मिला है, और आशा करती हूँ कि एक दिन इनको अपने घर बुलाने का, इनका स्वागत करने का सौभाग्य मिले। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है, तो कोई हमारे यहाँ आता है उसको याद करना भी उतना सुखद है जितना उनके घर जाना। तो ये बना रहे और हम एक दूसरे की बातों में, एक दूसरे के जीवन में, एक दूसरे के सामूहिक सामुदायिक सरोकारों में बोलते रहें। ये जो दूसरी किताब है कविताओं की, बहस पार की लंबी धूप, ये शीर्षक एकदम से मेरे जेहन में आया, और ये शिकायती नहीं है पूरा पूरी, बल्कि इसके कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ हमें धूप हमेशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। हमारे प्रांत में सूर्य की पूजा का परम की परंपरा है, का पर्व मनाया जाता है, और वो सबसे बड़ा पर्व है छठ। लेकिन धूप सबसे ज़रूरी, अभी भी अभी पिछले एक महीने से सोचिए कि वाकई पूस का मौसम था, जिसको हम कहते हैं कि पूस की रात का माहौल था, कि कई दिनों तक अच्छी, जिसको हम कहते हैं कि खलखलाती हुई खुशबूदार, मतलब हंसती खिलखिलाती हुई धूप नहीं निकली थी। गणतंत्र दिवस को निकली बहुत दिनों के बाद, और फिर आज निकली थी, और मुझे उम्मीद है पूस की पूर्णिमा भी थी शायद आज कल में कभी।
और मुझे उम्मीद है कि अब स्थिति बेहतर होगी, लेकिन ऐसी स्थिति कि जहां हम धूप के अलावा और कुछ झेलने के लायक नहीं है, ये इसलिए चिंताजनक है क्योंकि बारिश भी बहुत ज़रूरी है और बारिश के मौसम में छोटे शहरों में बहुत बुरी हालत होती है। महानगरों में भी 3 घंटा बरस जाए पानी तो पानी लगता है। तो इन सब स्थितियों को लेकर मैंने ये शीर्षक सोचा बहुत कुछ कहता हुआ, लेकिन इसमें ये भी ध्वनित है कि ये जीवन से अनेकों किस्मों की छायाओं के भी चल देने का इसमें राग है, कहें कि शोक गीत है एक प्रकार से, क्योंकि हमारी व्यवस्था ने हमें वैसा ही चकमा दिया है कि जहाँ 2 जून की रोटी खाने के लिए हमें फिर से पेड़ काटकर महल एक बनाना पड़ता है, तो वही सरोकार हैं चलते हुए हमारे साथ साथ। लेकिन दोस्तों, मैं कहूँगी कि इस संग्रह में बहुत सी प्रेम कविताएं हैं। प्रेम कविताएं इस तरह से हैं कि प्रेम को लेकर जो शिकायतें हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण है, और कहिए कि उसी से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं। एक एक समय को भी याद किया गया है, एक खास अंदाज में कुछ कविताएं हैं, कुछ मित्रों के लिए कविताएं हैं, कुछ स्थितियों पे कविताएं हैं, फिर से प्रवासी जीवन, देशी जीवन सबसे जुड़ती हुई कविताएं हैं। तो कुछ एक मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि केवल रचना प्रक्रिया पे नहीं है बातें, क्योंकि उस पे सबसे अच्छा होता है कि थोड़ी थोड़ी कविताएं भी मैं बीच में सुनाती रहूँ। एक मैं प्रेम कविता सुनाती हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है, और इस कविता को ये जो कम्युनिटी लाइब्रेरी है अमेरिकन सेंटर से जुड़ी हुई मालवीय नगर दिल्ली में, वहाँ एक कार्यक्रम में मंगलेश डबराल जी के साथ पढ़ने का मौका मिला था। मंगलेश डबराल जी से मुझे बहुत स्नेह मिला है, इसलिए एक बार फिर उनको याद करती हूँ, उनसे बहुत प्रोत्साहन मिला है। कविता का शीर्षक है 1000 सूर्योदय वाली आवाज़। नमस्कार योग्यता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौर कीजिएगा, 1000 सूर्योदय वाली आवाज़। 1000 सूर्योदय थे उसकी आवाज में, आसमान के सब तारों की चमक। ऐसा ही होता है प्रेम में। 1000 सूर्योदय थे उसकी आवाज में, आसमान के सब तारों की चमक। दुनिया के सब चंद्रमाओं की ठंडक थी उसमें, दिक्कत ये थी कि इतनी कम करता था बातें वो मुझसे, उन सब लोगों की बनिस्बत जिनसे प्यार नहीं करता था, या कि कहता था कि प्यार नहीं करता था, करता था केवल मुझसे प्यार, या कि कहता था। समुद्र लरजता था उसकी इस बात में, या साथ साथ कई समुद्र लरजते थे, जैसे एक साथ उसकी मेरी आंखों में। ये जलकुंभी से भरे तालाब कैसे बन गए उसके मेरे समुद्र, कहाँ गई वो नदियाँ जो ताजा कर जाती थी हमें, लिए जीवन का सहज प्रवाह, सतत प्रवाह। कहाँ गई नदियों से हमारी भी बातें, जबकि उसकी बातों में थे 1000 सूर्योदय। तो प्रेम अपनी शुरुआत में कितना गहन और कितना गर्म होता है। यहाँ 1000 सूर्योदय से अभिप्राय केवल उसकी ऊष्मा का नहीं है, उसकी रोशनी, उसकी ऊर्जा, सब कुछ। और वाकई प्रेम और प्रेमी की आवाज़ ऐसी ही होती है, लेकिन जिंदगी की व्यस्तता में प्रेम खपता खपता छींचता जाता है, और कई बार ऐसा होता है, जैसे इस एक प्रेम कविता में ये दिखाया गया है कि कई बार दखल के किस्से, कई बार जो है बहुत किस्मों की आवाजाही के किस्से इतने बड़े हो जाते हैं कि उसके आगे प्रेम का कद जो है वो कहीं दूर जाकर छिप कर बौना हो जाता है और दूसरे लोग हावी हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि ये जलकुंभी से भरे तालाब कैसे बन गए उसके मेरे समुद्र। यहाँ प्रवासी उस पे भी वो है कि दोस्तों, प्रवासी परिदृश्य में अगर ऐसा हो तो समुद्र पर चलता हुआ हर कोई अगर चला आए और उस जगह को एक लगभग मिट्टी से भरा हुआ तालाब बना दे,
तो थोड़ी परेशानी होती है रिश्तों में। धन्यवाद। रजत कृष्ण जी कह रहे हैं भाव सघन अभिव्यक्ति। बहुत शुक्रिया इन बहुत खूबसूरत दो शब्दों की टिप्पणी के लिए, मैं आभारी हूँ। तो इस तरह की कविताएं हैं, जैसे इसमें बेटी पे एक कविता है जो भी बहुत पसंद की गई है। अभी बालिका दिवस पर भी मैंने उसको लगाया था, मेरी बेटी के पैदा होने का साल जो कन्या भ्रूण हत्या पे है। तो बहुत सी बातें हैं हमारे आसपास जो हमसे लिखवाती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ घटनाएं हैं जो हमें भीतर तक उद्वेलित करती हैं और कविता बनती है। बहुत हद तक व्यक्तिगत भी होती है कविताएं, और होनी चाहिए भी, क्योंकि आखिर हमारे सामने रोज अखबार है, दुनिया की तमाम पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन है, जिन सब में ये बातें। ठीक है कि इनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति अलग होगी, ऐसी जैसी कभी कोई अखबारी नहीं हो सकती है। अखबार में भी साहित्य होता है, लेकिन वो अखबारी नहीं होता। तो साहित्यिक अभिव्यक्ति एक अलग चीज़ है, लेकिन जब वो एक व्यक्तिगत अनुभूति की भी अभिव्यक्ति होती है, जब उसमें एक व्यक्ति का अनुभव भी आता है, और वो कई बार समष्टि का भी अनुभव होता है, ऐसे लोगों का अनुभव जिनको मैंने वहाँ देखा, अलग अलग शहरों में देखा, अलग अलग परिवेशों में देखा, और अपना भी, तो वो एक अलग ही चीज़ होती है। मुझे लगता है कि साहित्य इसीलिए एक, मैं कहूंगी कि एक महान विधा है, और इसको जनजीवन से दूर नहीं होना चाहिए। हम सब अच्छा साहित्य लिखने की कोशिश भर करते हैं, और उस कोशिश भर की ही कथा मैं कह रही हूँ। जैसे एक इसमें कविता है नानी की निमकी, जिसमें नानी को याद भी किया गया है कि कैसे मेरी अपनी नानी जो है वो नींबू को घिसकर और उसकी नमक के सिरके में निमकी बनाती थी। तो वो उस प्रक्रिया को लेकर एक कविता लिखी गई है, लेकिन उसमें पूरी प्रवासी बात है, नौकरी के नमक की इच्छा की बात, और फिर उस इच्छा के विस्तार की बात, अपना नमक शान से खाने की बात, अपना कमा कर खाने की बात। अब उसके कई रूप और स्वरूप हैं, लेकिन वो पूरी बातें उसमें आती हैं। प्रवासी संघर्ष भी आता है। तो आप कहें तो कुछ एक पंक्तियाँ मैं इसकी सुना दूँ, लेकिन मैं इसलिए बच रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबी कविता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रवासी कविता तो मुझे सुनानी चाहिए पूरी पूरी, तो सुनाती हूँ दोस्तों, आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। नानी की निमकी। निमकी से ज्यादा हो जब नमक खाने की चाह, ऐसी तेज हो नमक खाने की चाह, कुछ प्यास जैसी जरूरत बन जाए, उत्कंठा आकांक्षा तीव्र इच्छा, प्रेमी के दर्शन से इतर की बात। स्वाद जो है वो प्रेम से भी ऊपर हो जाए, वह की बात कह रही है। चुंबनों के बिंब से परे की बात, किसी को भी चाहने से फर्क बात, जब होठों को याद आए केवल नमक का स्वाद। हो ऐसी थकान ऐसी हो पदयात्रा कोई, न विराम लेने दे न आराम, दांडी से मार्च की, गांधी को याद करती हूँ, दांडी से मार्च की यात्रा कोई रथ यात्रा नहीं, धर्म का ध्वज नहीं। रथ यात्रा राष्ट्रीय अस्मिता का मतलब एक धर्म के का ध्वज फहराना नहीं है। इमारतों की लड़ाई नहीं, न जमीन की, बस ये अकेले ही अकेले की लड़ाई, ये बौद्धिक सी खिलाफत, यूं उजाड़ दिए जाने की मौसम के थपेड़ों में पैदल। तो सारे प्रवासी संघर्ष सामूहिक नहीं होते, मतलब हमारे साथ ये हुआ था कि हमें युगांडा से देश निकाला मिला सामूहिक। तो दोस्तों ये खुलासा ये है कि मुझे अमेरिका से देश निकाला एक प्रकार से मिला था। हुआ यूँ कि मैं बिल्कुल वहाँ बसी बसाई रहती थी और एकदम से उजाड़ दी गई। अब उसकी कथा अलग है। अभी मैं कविता पूरी करती हूँ, फिर सुनाती हूँ थोड़ी सी। लेकिन प्रवासी संघर्ष और भी मैंने देखे हैं, कई किस्मों के प्रवासी संघर्ष है। आप किसी भी प्रवासी शहर में देख लीजिए, अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जितने भी अंग्रेजी भाषा भाषी ये पहले देश के
बड़े बड़े शहर हैं, छोटे भी शहर हैं, सब में हमारे प्रवासी लोग हैं। और बहुत से लोग हैं जो बहुत खुशहाल हैं, बहुत से लोग हैं जिनके संघर्ष हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब मैं वहाँ पे बड़े ऐशो आराम में थी, पढ़ने गई और अकादीमिया की राजनीति में फंस गई। तो दोस्तों, जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्ली ने छीका गिरा दिया सिर पे दही का, तो वही हुआ मेरे ऊपर। मेरे सिर पे इमिग्रेशन की लड़ाई गिर गई और मैं उसे लड़ती लड़ती जो है वापस अपने घर आ गई। लेकिन खैर, तो कविता ये है, यही है कि नानी की निमकी, यानी कि वो नौकरी मुझे मिल जाए इस चाहत की कविता है। और खिलाफत है यो उजाड़ दिए जाने की, मौसम के थपेड़ों में पैदल, शून्य से भी बहुत कम के तापमान में, -35-38 में भी, -40 तक में, पश्चिमी कनाडा की न्यूनतम डिग्री की ठंड भी, दिल्ली की 40 डिग्री का ताप भी, सब मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे जेहन के अंदर है। दिल्ली की 40 डिग्री का भाप भी, गर्मी उसकी प्रचंड उद्दंड झेल जाए ऐसी यात्रा, पाती नहीं जैसे जो आश्रय कोई, हो नहीं जैसे प्रश्रय कोई, हो जैसे कोई बहुत देर से यात्रा में, यात्रा में हो केवल और कहीं नहीं, और बस बहुत थकान हो, थकान हो, थकान केवल। ऐसा होता है ना दोस्तों, मतलब हम श्रम की महिमा का गीत तो गाते ही हैं, लेकिन उस श्रम के बाद की जो थकान है उसकी भी कभी बात करने में कोई हर्ज नहीं। भोजन दुर्लभ भी हो, खाने पर ताने भी, कुछ वेलफेयर की राजनीति हो, उससे पहले ससुराली कि हो नहीं तुम भाग्यशाली, हो तो कर दिखाओ बना कर जिंदगी अपनी, बसा कर जिंदगी अपनी, साबित कर भाग्य, जबकि हम कोसते हैं दिल मसोसते हैं, नमक मत मांगो जमाना सब कुछ के मिश्रण का, नमक मत मांगो जमाना सब कुछ के मिश्रण का है, जमाना मिश्रित स्वाद का, जमाना नमक चीनी के साथ का है, जमाना अजीनो मोटो का है ना, वो जो एक चीनी जापानी नमक होता है जो हम सब चीनी जापानी खाना जब खाते हैं, चीनी खास करके, तो उसमें अजीनो मोटो डलता है नमक की जगह। देशी अखबार में उस पर लेख भी हो पर मॉल में उसका इस्तेमाल है बेधड़क और बेखौफ, इन फूड स्टॉल्स के आगे की लाइन कुछ कहती है बस दे नहीं पाती, उस सादे सादे से घरेलू झोंक का शुद्ध नमकीन स्वाद। और जबकि बात यह नहीं थी कि बनाना था अपना नमक, अलग दांव पेच थे इस भूमंडलीय युग के और बहुत वर्जित था नमक से टांस खाना, है ना। ब्लड प्रेशर करवाने वाला जो ये समय है, मुझे भी है नहीं, टच वुड, मेरी माँ को बहुत हाई है तो वो बात भी मेरे जहन में रहती है, लेकिन ये नमक से टांस खाने के बिंब को लेकर। गर्मी की बीमार बढ़ रही थी, बहुत ज़रूरी था इन बातों पर सेमिनार कि बढ़ते रक्तचाप की क्या वजहें थी, बस नींबू के समूचे छिलके को घिसकर और फेंक कर उसका लेमन जेस्ट जो नमक के सिरके में बनाती थी मेरी नानी निमकी, अभी भी तरोताज़ा कर जाती है नींबू के फूलों की खुशबू की तरह। तो ये पुराने घरेलू याद के साथ प्रवासी संघर्ष की कविता है, अपने हकों की कविता है। धन्यवाद उदय भानु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोगों को पसंद आई ये कविता, और मैं विश्लेषण भी करती ही गई हूँ, और आप देखिएगा कि इसमें तमाम प्रवासी संघर्ष के साथ घरेलू बात भी आ जाती है। और दोस्तों, इस संग्रह, मैंने कहा कि ये प्रेम विषयक सबसे अधिक है, वहाँ पर धूप से भी मेरा वही मतलब है, एक प्रकार से प्रेम की जो छाया है, प्रेम की जो मिठास है, उसकी जो शीतलता है, उसकी कमी हो जाना जीवन में, उसका पलायन जीवन से, उसका दूर होना, और संवेदनाओं का कम होना, और खराश का बढ़ना, ऊष्मा नहीं केवल
कहें कि उस किस्म की गर्मी का वर्णन, उस किस्म की गर्मी का आना जिसका कामियों ने वर्णन किया है, अल्बेयर कामियों ने, जिसमें लोग एक दूसरे पर चाकू चलाते हैं, द आउटसाइडर की शुरुआत लगभग उस तरह से होती है। तो इन बिंबों को लेकर के ये संग्रह है, और इसमें बहुत सी कविताएं जो हैं वो ब्रेकअप और तलाक पे भी हैं, और वो मेरे निजी जीवन से भी जुड़ती हैं। और उसी के बाद दरअसल मुझे देश निकाला मिला, तो बहुत कम शब्दों में कि मैं वहाँ बिल्कुल बसी बसाई गृहस्थी में थी, और पुराने मित्र से मेरी शादी भी थी, लेकिन अब वो खटपट हुई, मैं पढ़ने गई, अकादमिया की राजनीति में फंस गई, और फिर मैंने सोचा कि मैं ले लूँ तलाक, ऐसा क्या है। लेकिन मेरी नौकरी भी जाती रही, और इस तरह से वह घर जहाँ मैं रह रही थी 6 साल से, मेरे लिए कल्पनातीत था कि जहाँ कि मेरा ग्रीन कार्ड मिलने वाला था और मैं अगले 2 वर्षों में अमेरिकी सिटीजन हो जाती, होती या ना होती ये मेरी मर्जी है, लेकिन ग्रीन कार्ड यानी आप जब चाहे आए, जब चाहे जाए, दुनिया के बहुत से रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। मैं जब वहाँ थी ऐसी स्थिति में, तब भी हर साल यहाँ आती थी, और मुझे वहाँ से देश निकाला हो गया बड़े ड्रामेटिक अंदाज में एक जर्मन प्रोफेसर की कंप्लेन पे। तो उस हृदय भग्न को लेकर भी ये कविता मानिए, और इस तरह की कई कविताएं हैं। जब ये संग्रह छप रहा था तो जो इसके प्रकाशक हैं, बोधि प्रकाशन के जो सर्वे सर्वा हैं एक प्रकार से, उन्होंने कुछ एक कविताओं को लेकर कहा था। उनका मन था कि इसकी शीर्षक कविता जो है वो हो हैंडल टूटा कप, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे ये लगता है कि हम दरअसल बहुत ज़्यादा प्रेम की कविताएं सुनाते हैं या हृदय भग्न की सुनाते हैं, तो इन अर्थों में सुनाते हैं कि हमें उससे जो हासिल हुआ वो, लेकिन केवल शिकायतों की या याद की या एक नए किस्म के क्या उसको बोलेंगे रेजोल्यूशन की कविताएं इसमें काफ़ी हैं, और यथास्थिति का वर्णन भी। एक कविता मैं आपको थोड़ा सा और सुनाती हूँ, कुछ एक इस तरह की इसमें छोटी कविताएं हैं जिनको भी बहुत पसंद किया गया है। जैसे नाकाफ़ी बातें है ना, मैं जल्दी जल्दी में सुना गई, तो मैं एक कविता छोटी सी आपको और सुनाती हूँ। नाकाफ़ी बातें वहाँ मिलो जहाँ शब्द ही पूरते हैं केवल, वहाँ मिलो जहाँ शब्द ही पूरते हैं केवल, तस्वीर भरमाती है, तस्वीर भरमाती है, नाकाफी कह जाती है, अलग विधा है तस्वीरों की, पर ऐसा क्या, दरअसल शब्दों से कहने के बाकायदा पेशे में, दरअसल शब्दों से कहने के बाकायदा पेशे में इतना शोर होता है कि बहुत स्थिर, गंभीर, शांतिप्रद लगती है एक खींची हुई तस्वीर। तो ये जो शब्द और चित्र का आपसी अंतर संबंध है उसको लेकर ये कविता है, और शब्दों की महत्ता के साथ साथ चित्रों की महत्ता पर भी ये कविता है, संप्रेषण पर ये कविता है, आप से मैं और मैं से आप तक के बीच का जो पुल है शब्दों का, भावों का। मैं आपको सुन रही हूँ क्योंकि आप लगातार मुझसे कुछ कह रहे हैं, मैं आभारी हूँ आपके शब्दों के, है ना, और एक तस्वीर भी हमारी लगातार बन रही है, अभी ये वीडियो है लेकिन फिर भी, तो उसको लेकर के ये कविता। इस तरह की बहुत सी कविताएं हैं इसमें, कुछ मैं आपको इसमें से और सुनाना चाहती हूँ, और देखिए कि ऐसा होता है कि समय भी कम पढ़ने पड़ने लगता है। बहुत से इसमें कुछ कविताएं इस तरह की भी हैं, जैसा मैंने कहा था कि शुरुआती एक कविता मैं उसमें से ज़रूर सुनाऊंगी, जो मेरे शुरुआती उसको लेकर के है, हॉस्टल लाइफ को लेके, और इसमें बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो जिन वक्त ये कविताएं लिखी जा रही थी उस वक्त, तो ये अरब क्रांति जैसे शुरू हुई, तो मेरा वीज़ा संघर्ष भी उस वक्त ही चल रहा था और उससे मैंने बहुत रिलेट किया, तो उसको लेकर। अच्छा, एक बात जो बड़ी तवज्जो की है, जिस पर गौर करना है, और जो एक अद्भुत संयोग है, चूँकि इस मंच का नाम अर्पण जी ने जनसुलभ पुस्तकालय रखा है, तो मैं साझा करती हूँ कि मैंने अमेरिकी देश निकाले की चर्चा की, वहाँ से हृदय भग्न की, जो अभी मेरा सामान एक दोस्त के घर में रखा है, और दोस्तों मुझे लौटना है, लौटूंगी, अपना कुछ काम यहाँ समेट रही हूँ उसके बाद, लेकिन वहाँ से जो लौटने की कथा है वो बड़ी मार्मिक है, वो
मिथिलेश चौबे जी कह रहे हैं प्रवासी जीवन के मार्मिक अनुभव, धन्यवाद जी। तारावती मीना मैम धन्यवाद, आपको पसंद आई ये पंक्ति, वहाँ मिलो जहाँ शब्द ही पूरते हैं केवल, बहुत धन्यवाद। तो हुआ यूँ कि मैंने आपको बताया कि जर्मन प्रोफेसर ने कंप्लेन किया, मैं अकादमिया की राजनीति में फंस गई। एकेडमिक पॉलिटिक्स है, हम सब जानते हैं, वो राजनीति से भी जुड़ती है। उनका काम कैनेडी इन बर्लिन पे था, कैनेडी के असासिनेशन पर, जॉन एफ कैनेडी को हम सब जानते हैं। तो वो जो है वो लंबी कथा है, वो भी मैं नहीं सुनाऊंगी। लेकिन जब उन्होंने कंप्लेन किया था और मुझे बल्कि कहिए कि मुझे कैंपस पुलिस में, कैंपस पुलिस मतलब हर कैंपस में वहाँ एक पुलिस ही होता है, आप सब जानते हैं। अमेरिकी जो यूनिवर्सिटी है वो अपने आप में घूमने की जगह है, इतनी खूबसूरत होती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा के लिए वहाँ पर अपना अपना पुलिस चौकी होती है। तो मुझे उन्होंने कहा था कि आप चूज़ कीजिए कि किस किस्म की कम्युनिटी सर्विस आपको दंड स्वरूप करनी होगी। तो मैंने यह चुना था कि मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में किताबें सजाऊंगी। और वही तय हुआ था जब मैं अमेरिका से चली थी मई 2007 में, और मैं लौट ही नहीं पाई। तो अब तो 17 तक 10 साल थे, अब तो और साल जुड़ गए हैं, लेकिन जब भी लौटूंगी, देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, जब मैं लौटूंगी तो अमेरिका की लाइब्रेरी में भी हो सकता है, इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो मेरी कई किताबें आ जाएंगी। अंग्रेज़ी की दो किताबें हैं मेरी जो पूरे इस अनुभव पे हैं, अंग्रेज़ी कविताओं की, और बहुत सी दुनिया की 22 भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है, कुछ हिंदी की भी कविताओं का हुआ है। आर्मीनिया की एक बड़ी अच्छी अनुवादक स्कॉलर हैं हृप्सिमे नरसिसियन जी, उनको मैं याद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरे तीसरे संग्रह से एक कविता का भी अभी आर्मेनियाई में अनुवाद किया है। तो अंग्रेज़ी की तो बहुत सी कविताएं यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित हुई हैं मेरी, लेकिन हिंदी की कुछ एक कम, कुछ और भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है, मराठी में, बांग्ला में, ओडिया में, ओडिया में नहीं, बोडो में, उड़िया में अभी नहीं हुआ है, उड़िया मेरे मित्र हैं और उनसे बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी। तो इस तरह से वो कविता भी मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगी, शांति का रंग, उसको प्रतिलिपि सम्मान भी मिला है। तो रचना प्रक्रिया उसकी यही है कि बहुत सी रंगों को लेकर भी हमारे आसपास बहस होती है ना, और शांति हम सब तलाशते होते हैं, शांति की ज़रूरत कहाँ नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी की जिनको लेके मुझे लगता है कि मेरी कविताएं बनी हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये कविता मैं निकाल कर बैठी हूँ, ये भी थोड़ी लंबी है, लेकिन दोस्तों आज सब आज दिल्ली में हल्का सा एक भूकंप का झटका भी आया, और बहुत से भूकंप के झटके इस बीच हम लोगों ने देखे। 2010 से हेटी के भूकंप के बाद से बहुत से झटके मैं अपने आस पास देख रही हूँ। तो एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ, और माया मृग जी जो बोधि प्रकाशन के सर्वे सर्वा हैं, वो चाहते थे कि यही इस संग्रह का नाम हो, हैंडल टूटा कप तथा अन्य कविताएं, लेकिन मुझे वो बैस पार की लंबी धूप ऐसा मेरे मन में अटका कि मैंने वही रख दिया। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने रखने दिया, इसके लिए धन्यवाद। कविता मैं सुनाती हूँ, हैंडल टूटा कप। इन दिनों मेरा घर एक भूचाल है, मेरी उम्र लगभग 40 साल है, एक टूट गई शादी एक हैंडल टूटे कप की तरह मेरे आसपास मौजूद है। गौर फरमाइएगा, एक टूट गई शादी एक हैंडल टूटे कप की तरह मेरे आसपास मौजूद है। दरअसल लोगों के तलाक सालों साल चलते हैं, 8-1 साल चलते हैं, विदेशी कोर्टों में भी, विदेशी करेंसी से भी वकील कर विदेशी करेंसी में मुआवजे की रकम पर सालों साल चलते हैं। फिर मेरा तो मामला ही विदेश में बसने से जुड़ा था, विदेश में लगभग छूट गया मेरा घर, विदेश में लगभग छूट गया मेरा घर, जिसकी छत और खिड़कियों के रंग हमने चुने थे कुछ ऐसे कि उसी के होकर रहेंगे, वही होंगे हमारे परिचायक रंग, अभिभावक रंग। फिर गहरी राजनीति आई, बहुत सी वक्र बातें, हमारी खिड़कियों दरवाजों के आकार टेढ़े मेढ़े हुए, हम निकाले गए उसमें से लगभग बेदखल अपनी जायदाद से।
अब दोस्तों यहाँ मैं तो अपनी बात कह रही हूँ, लेकिन आप NCR देखिए और उससे सीधा जोड़ लीजिए, है ना। और इमिग्रेशन का संघर्ष बहुत बड़ा है, ये मैं दरअसल अपनी ही बात नहीं कह रही, ये मैं उन तमाम लोगों की बात कह रही हूँ जो अभी माइग्रेंट कैंप्स में हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त नाव में बैठ रहे होंगे, समुद्र में चढ़ रहे होंगे। लगातार आप अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरें पढ़ें तो ऐसा होता है, लोग अपनी स्थितियों से बाध्य होकर माइग्रेट करते हैं, कुछ इलीगली कुछ लीगली, बहुत से तरीके हैं। और जो पलायन का दर्द है वो भी इसमें शामिल है। हमारी खिड़कियों दरवाज़ों के आकार टेढ़े मेढ़े हुए, हम निकाले गए उसमें से लगभग बेदखल अपनी जायदाद से। हमारा सामान छूटा आलमारियों में ही नहीं, बिल्ट इन क्लॉजेट्स में। और इन सब बातों का एक छोटा सा चिट पुर्जा बना दिया हमारी रीलोकेशन एजेंट ने, जिसने उस देश में भी बसाया था, उस शहर उस घर में भी। हाँ, ऐसा ही हृदय आलोड़न होता है, हाँ ऐसा ही हृदय आलोड़न होता है, ऐसी ही होती है भग्न गाथा इन सिमिलर टाइप ऑफ केसेस। उसने कागज को हल्का सा मोड़ा था फोन पर बहुत बाद में, जब वह अपने अधिकार बटोर रही थी, फाइल बना रही थी, दोबारा कोर्ट को जाती थी सारी बातें। पर घर का भूचाल, पर घर का भूचाल इन बातों का नहीं बना था, न घर का हड़कंप। उनकी जिद थी कि खाते वक्त ही आएंगे, ये कुछ काम वाले थे, कुछ पड़ोसी, उन्हें कैसे पता होता था उसके खाने का वक्त। दोस्तों ऐसा भी होता है, उन्हें कैसे पता होता था उसके नहाने का वक्त। उसने हिसाब छोड़ दिया था, उसने हिसाब छोड़ दिया था। ऐसा होता है ना कि जब एक बार जीवन में विघटन आता है तो आपकी पूरी दिनचर्या ट्रायल में होती है, आपके काम करने की सारी कैपेसिटी उन सारी बातों को लेकर ये बना है। और मैं बिल्कुल इन इन शब्दों के साथ खड़ी हूँ आज भी, क्योंकि ये होता है। उन्हें कैसे पता होता था उसके नहाने का वक्त, उसने हिसाब छोड़ दिया था। उसने अपने बहुत सारे आसपास का हिसाब छोड़ दिया था, उसने अपने बहुत सारे अधिकारों का हिसाब छोड़ दिया था। एक बहुत बड़ा दृश्य ज्वालामुखी था इन सब बातों के भीतर, उसने उसके विस्फोट का भी अंदाज़ा छोड़ दिया था, उसने उसके विस्फोट का भी अंदाज़ा छोड़ दिया था। उसने अपने इर्द गिर्द के बहुत कुछ की पड़ताल छोड़ दी थी, वह कर रही थी केवल उस बहुत कुछ का हिसाब जो उम्मीद थी इस भूचाल को भी थमा देगा। तो भूचाल थम जाए ये हमारी कोशिश होती है हमेशा, और वो थमता नहीं है दरअसल, मतलब जो जीवन में आया हुआ भूचाल है उसको थमने में वक्त लगता है। तो कविता तो इन्हीं चीज़ों की बनती है ना, कविता केवल स्थायित्व तो और प्रेम की ही नहीं बनती, कविता केवल सुख की ही नहीं बनती। और जो सुख के विपरीत का आलम है वो ठीक ठीक दुख भी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारी संघर्ष गाथा होती है। हम उसी में शांति ढूंढते हैं, हम सब बृहत्तर सुख चाहते हैं। निर्मल वर्मा जी का तो पूरा उपन्यास ही है इस पर, एक चिथड़ा सुख, सुख तलाश की गाथा, उन्हीं की कविताएं बनती हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा वो बात होती है जो व्यक्ति से लेकर समष्टि का संघर्ष है, वो सबसे ज़्यादा कविताओं में मुखरित होता है। उसमें घटनाएं आती हैं, अब जैसे बीच बीच में जब कभी ऐसी घटनाएं आई, चाहे वो निर्भया हो या हाथरस हो या इस तरह के और शहर जिन्होंने हमें आलोड़ित किया, तो कविताएं बनती हैं, लिखी जाती हैं और फिर वो नारेबाजी की शक्ल लेती हैं और लेनी चाहिए भी। तो साहित्य के ऊपर ऐसी भी जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों से भी कविताएं बनती हैं। बहरहाल उस कविता के बाद एक कविता मैं आपको एक दूसरे मूड की सुनाना चाहती हूँ कि एक विघटन के बाद हम बहुत कुछ को याद करते हैं, जो हमारा समय था, या कहिए कि एक ऐसा समय जिस वक्त हमें हम उस प्यार में गए थे जहाँ से अभी अभी निकले हैं, है ना, एकदम खुल कर कहें तो।
ये वो समय जहाँ उस प्यार में हम दाखिल हुए थे, जिससे अभी अभी हमारा निष्कासन हुआ है, वो भी याद आता है। तो इस तरह के नॉस्टैल्जिक मोमेंट और उसमें शामिल, उस वक्त में शामिल और उपस्थित सारे लोग। तो एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ जो एक असमिया मित्र के लिए लिखी गई है, और वाकई ये वही नाम है, ये इंद्रप्रस्थ कॉलेज में मेरी हॉस्टल मेट थी उसके लिए लिखी हुई है। और हॉस्टल पर इधर मैंने बहुत सी कविताएं सुनी, मुझे लगता है कि विमलेश त्रिपाठी जी की मुझे याद आ रही है, लेकिन किन्हीं और ने भी कॉलेज के हॉस्टल्स पे कविताएं सुनाई हैं, और मैं भी एक लिख रही हूँ एक समूचे ग्रुप को लेकर, लेकिन ये एक व्यक्ति विशेष को लेकर है। और केवल इसमें एक कथा इसलिए नहीं है क्योंकि कविता में हम ये खेल करते हैं कि हम समय को तोड़ मोड़ कर ये कहते हैं कि ऐ मेरी कविता तुम चिट्ठी बनकर उस तक पहुँच जाओ, तो ये भी रचना प्रक्रिया का एक आलम होता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं सरिता सिंह जी की कविता दर्द की अभिव्यक्ति भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और दर्द में वो बहुत बड़ा संबल भी होती है कविता, है ना। अब देखिए कि इस संग्रह को जो है बिहार के ही मुंगेर शहर में मथुरा प्रसाद गुंजन स्मृति सम्मान भी मिल गया 2019 में, आपकी दुआ रही होगी, और मैं धन्यवाद देती हूँ उस आयोजन से जुड़े हुए तमाम लोगों को, विशेष रूप से पटना के एक बहुत अजीम शायर हैं घनश्याम जी, उनको, और मुंगेर के हमारे जितने साथी कवि मित्र हैं विज कुमार विजय गुप्त जी और सभी लोगों को, वो सब लोग उस कार्यक्रम में थे, विनय कुमार सिंह जी जिन्होंने मेरे इस तीसरे संग्रह की समीक्षा भी लिखी है। तो आइए फिर आपको वो कविता सुनाती हूँ, मेरी रूममेट आत्रेयी गुहाई को, आत्रेयी गुहाई उसका नाम है। रूममेट नहीं पड़ोसी, रूममेट नहीं पड़ोसी, सामने के कमरे में दोस्त, हाँ ठीक ठाक चलती फिरती यारी दोस्ती, ज्यादा नहीं असमिया पहचान, घनघोर अहम गुरूर घनघोर पढ़िया, हम तो बिहारी लेकिन खाली अपनी भाषा अपनी क्षेत्रीयता अपना क्षेत्र करना पलायन है, पलायन है या कहना कि तुम बिहारी होकर बांग्ला अहोमिया के जादू में पड़ी हो, पलायन है या कहना कि तुम बिहारी होकर बांग्ला अहोमिया के जादू में पड़ी हो, पंजाबी भी बढ़िया लगती है माँ की दोस्त तक कहना पंजाबी के किस्से हैं, अलंगो बलंगो बुआ खोल, अलंगो बलंगो बुआ खोल, मेरी मम्मी घर में नहीं मैं नहीं बुआ खोलना, बुआ यानी दरवाजा, ऐसा ही कुछ था पंजाबी किस्से में, हरे खेतों सुनहले गेहूं से भरा पंजाब, हरे खेतों सुनहले गेहूं से भरा पंजाब, जहां उसे मिलने कभी जल्दी ही मुझे जाना है, फिलहाल हर घंटे हर दिन इमिग्रेशन नामक दरवाजे को खोलने की राजनीति है, दरवाजा अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीति है, लेकिन ऐत्रेयी मेरी दोस्त कुछ बांटे भी हम अहम गुरूर, कहीं हो आसपास तो जवाब देना। तो दोस्तों एक पूरे अपने कहे कि फ्रेंड सर्कल ही नहीं और माँ के ही फ्रेंड सर्कल नहीं, बचपन के सुने हुए दूसरी भाषाओं के किस्सों को लेकर ये कविता है, क्षेत्रीयता प्रांतीयता को दरअसल लांघती हुई, कि मुझे केवल बिहार के ही खेतों की चिंता क्यों हो, मैं तो पंजाब के भी खेतों के किस्से कहती हूँ, और उसमें फिल्माए हुए जो गीत हैं मुझे अच्छे लगते हैं बॉलीवुड के, आज वही पंजाब वही किसान जो है वो सरकार के खिलाफ में बैठे हैं धरने पे। तो देखिए कि ये मैं कहना ये चाहती हूँ कि मिट्टी से जुड़ी हुई कविताएं हैं, है ना, कॉलेज हॉस्टल की भी कविता में ये सारी बातें आती हैं। तो इस तरह की कविताएं हैं दोस्तों मेरी, और कहिए कि मतलब मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुई, तमाम संग्रह बचे हुए हैं कि मेरा समय पूरा हो गया, अब 1 घंटे का समय है, आपका भी बहुत कीमती है, कुछ एक एक कविता मैं सबसे जल्दी जल्दी सुनाती हूँ, ये मेरा चौथा संग्रह है, इससे पहले तीसरे से सुनाती हूँ, ये प्रत्यंचा मैंने इसका नाम रखा, कितनी देर तक हम लगाम थामे रह सकते हैं, सबसे बड़ी बात इसलिए इसकी थी, और ये भी कि मौसम किस तरह हमें थामे रहता है, किसके हाथ में है हमारे जीवन की बागडोर,
हम बहुत चाहते हैं कि वो नियंत्रण हमारा हो, लेकिन कितने फोर्सेस हैं हमारे आसपास जो उस सबको थामे रखते हैं। तो इस सब को लेकर के बहुत सी कविताएं हैं, मैं वही सुनाती हूँ आपको जो पुरस्कृत हुई है। इसमें दरअसल वो कविता भी है जो राजस्थान पत्रिका की पुरस्कृत हुई, जिसको पहला पुरस्कार मिला 2017 में राजस्थान पत्रिका का, गमछे में दही के किस्से, वो भी है। लेकिन उसको आगे के लिए, कभी के लिए छोड़ते हुए मैं आपको एक दूसरी कविता सुनाना चाहती हूँ जो खेती से जुड़ती है। एक और पुरस्कृत कविता है इसमें, शांति का रंग, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, और उसी का आर्मेनियाई अनुवाद भी हुआ है, उसको मैंने हाल में साझा भी किया था कि तुम मुझसे संधि कर लो, शांति का रंग हरा होगा। उन्होंने बहुत बहस की है इस रंग पर, किसी ने कहा प्रेम का रंग लाल, किसी ने कहा नहीं, आसमान का नीला विस्तार ही शांति का रंग है। लेकिन उन्होंने बहुत गदला किया है इसे अपने फैक्ट्रियों के धुओं और चिमनियों के धुओं से, और एयरपोर्ट के भी धुओं से, एयरप्लेन्स के भी तमाम किस्मों के एक्सीडेंट्स ही नहीं, सब कुछ से। और इसलिए मेरे दोस्त, शांति का रंग हमेशा हरा होगा, कुछ ऐसी वो कविता है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी कविता सुनाती हूँ जो किसानों से जुड़ती है। अभी वो आंदोलन सबसे मुखर है। कुसुम भट्ट जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। देखिए कुसुम जी आ गई तो कि मतलब शाम बन गई। अभिन्न मित्र हैं हमारी, सीनियर हैं हमसे, बड़ी कथा लेखिका हैं, गुलाब का फूल भेज रही हैं। इसी बात पर मैं कविता सुनाती हूँ, मौसम उगडूब का है। मौसम सुबह से उगडूब का था, ये मेरी माँ को बहुत पसंद है इसलिए निकल गई तो मैं सुना रही हूँ। मौसम सुबह से उगडूब का था, जो बरस जाता तो डूब जाते सुनहली फसल के खेत, और जो डूबता शहर में उसका हाल मैं तुम्हें क्या बताऊँ, और जो डूबता शहर में उसका हाल मैं तुम्हें क्या सुनाऊँ। एमपी के भी टिकट से ज्यादा बड़ी है शहर के पुस्तकालय की राजनीति, वो सड़कें डूबती, वो चौराहे, सरैयागंज टावर भी जिस पर कभी की नाना जी की कविता है, और डूबती हर छोटी बड़ी गली, तुम घर से न निकल पाती। इस शहर में घर अब टावर से ऊंचे बनते हैं, इस शहर में घर अब टावर से ऊंचे बनते हैं, गांव के खेतों से काट कर ट्रैक्टर से लाई जाती है मिट्टी, गांव अब मिट्टी बेचते हैं, गांव अब मिट्टी बेचते हैं, शहर उन्हें खरीदता है, नदियों का जल घटता है, पक्षी प्यासे हैं मिट्टी भी, पक्षी प्यासे हैं मिट्टी भी, बरसात अब मेरे शहर को बस छू कर मुजर जाती है, गांव से आई हुई मिट्टी केमिकल से जली हुई बताई जाती है। ये समूचा मौसम रिसाइकल का है, मेरे दोस्त तुम साइकिल पर सवार होकर कहाँ जाते हो, मेरे दोस्त तुम साइकिल पर सवार होकर कहाँ जाते हो। हर गांव में हर खेत पर अब सिंचाई की बोरिंग है, अब कुछ नहीं होता अपने आप, अब कुछ नहीं होता अपने आप, गेहूं और गुलाब दोनों ही उगाना एक भयंकर सपना है, गेहूं और गुलाब दोनों ही उगाना अब एक भयंकर सपना है, उससे भी भयानक है महानगर की बाढ़, लेकिन दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास भी और हर शहर की छोटी संकरी गली में ये ट्रैक्टर क्यों बना हुआ है साथ मेरे मौसम उगडूब का है। दोस्तों, ये जो ट्रैक्टर रैली निकली उसको समर्पित करते हुए ये कविता किसान आंदोलन से जुड़ते हुए आपको नज़र कर रही हूँ। और बहुत सी और इसमें कविताएं हैं, मैंने कहा कि पर्यावरण पे मैं लिखती हूँ लेकिन हमारा समय तो पूरा हो चुका, तो मुझे तो अब समाप्त करना चाहिए जल्दी जल्दी एक एक कविता। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रजत जी, आप लगातार साथ हैं मेरे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।
एक जल्दी से एक कविता इस चौथे संग्रह से सुनाती हूँ। इन सब का भी लोकार्पण भी बाकी है। बहुत जल्दी इसके लोकार्पण की खबर लेकर भी आऊँगी मैं आपके पास। ऐसा हुआ कि जिस दिन ये किताब मेरे हाथ में आई उसी दिन लॉकडाउन हो गया। और दरअसल इस किताब को शुभकामना पुस्तक मेले में मंगलेश जी ने दी, लेकिन इसका भी लोकार्पण बाकी है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले इससे एक छोटी सी कविता मैं फिर किसानों पर ही सुना रही हूँ। सुनहले रंग का गीत है ना, कि ये गीत गाने की परंपरा, ये फसल कटाई, ये मिट्टी, ये ट्रैक्टर, ये मौसम की चिंता, ये सब किसानों की, जमीन वालों की चिंता है ना। जो मजदूर हैं उनकी से लेकर किसान जो है उनकी चिंता, ये व्यापारी की चिंता नहीं है। ये उनकी चिंता नहीं है जो बाहर मंडी से आकर सब कुछ खरीद ले जाएंगे, उनकी नहीं है। वो गीत गाते नहीं आते, गीत वो लोग गाते हैं जो खेतों में फसल काटते हैं। तो सुनहले रंग का गीत, सुनहले रंग का जो एक बड़ा सा गीत फैला था खेत में, घुटनों तक आ चुकी समान कद की फसलों में, सुनहले किसी गुंबद को मात कर रहा था, सुनहले किसी गुंबद को मात कर रहा था उसका समतल विस्तार, एक ऊंची नीची बाली नहीं। प्रकृति कितनी खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती के जैसा हम कुछ नहीं रच सकते। फसल की जो का जो समान कद होता है उसका कोई जवाब ही नहीं, दुनिया का कोई इंच टेप वैसा नहीं कर सकता। एक ऊंची नीची बाली नहीं, सुनहरे रंग का जो एक लहरदार घुमावदार किनारीदार गीत फैला था खेत में, गुनगुनाने को उसे सखी, कुसुम जी आशा है कि आप साथ हैं, गुनगुनाने को उसे सखी, चलो मेरे साथ मकई के भी बालों में सखी। हमारे यहाँ वो जो भुट्टे होते हैं उनको हम लोग बाल कहते हैं, उसमें ऊपर ऊपर सुनहले बाल होते हैं तो उसको हम लोग बाल कहते हैं। और वो जब कटता है गेहूं के बाद मकई, तो वो भी एक बड़ा खूबसूरत मौसम होता है। और मतलब दिल्ली की सड़कों से लेके, बिहार की सड़कों से लेके, ठेलों से लेके, घरों में भी लोग भुट्टे खूब खाते हैं नींबू मिर्च लगा के। तो ऐसी जमीनी बातों से कविताएं मैंने निकाली हैं। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा गांव से वैसा जुड़ाव नहीं है, इसकी जो पहली कविता है वो उसी को लेकर है, लेकिन फिर भी तो इस तरह की बातें हैं। और प्रवासी संघर्ष पर ही वो है कि एक हफ्ता वसूली करके एक कविता है, अब मैं आज सुनाऊँ उसको या किसी और दिन सुनाऊँ, लेकिन वो उस पे लंबी चर्चा होगी। सब कुछ तो दोस्तों एक दिन में संभव नहीं है, इतनी कविताएं हैं और रचना प्रक्रिया पे बात करना बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी होता है। सबसे अच्छा ये होता है कि हमारी अपनी जो चिंताएं हैं वो हमारे समय की चिंताओं से मेल खाती ही है, बिल्कुल खाती है। और अपनी चिंताओं की भी बात करनी चाहिए और वो अपने आप समष्टि से जाकर जुड़ जाती है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल होता है। और जो समष्टि की चिंता है उससे हमारा जुड़ाव होगा ही, हमारे भोजन की थाली में वो चिंता मौजूद है। तो एक आखिरी कविता जो मैं इस संग्रह से सुना रही हूँ, ये मेरा पांचवा संग्रह है गीत रातें, ये ओसिल सुबह से मैंने आपको वो कविता सुनाई थी सुनहले रंग का गीत। और अब एक कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है दिन सूरजमुखी से खिले नहीं है। दिन सूरजमुखी से खिले नहीं है ये समस्या नहीं, दिन सूरजमुखी से खिले नहीं है मतलब दिन सूरजमुखी के फूल की तरह खिले हुए नहीं है ये समस्या नहीं। आप सब मुझसे ज़्यादा जहीन लोग हैं लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, समस्याएं बहुत ढेर सारी हैं जिन्हें ढक तोप रखा है पूजा में चढ़ी पंखुड़ियों ने। मूर्ति विसर्जन तक बने रहने दें केवल मंत्रोच्चार, फिर नदियों के तलछट का कोहराम होगा और दिन गदूबी होने के साथ साथ खतरे के निशान पर भी डोलेंगे, क्योंकि साफ नहीं होगा पीने का पानी, क्योंकि साफ नहीं होगा पीने का पानी। इसलिए दिन सूरजमुखी से खिले नहीं है समस्या ये बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर संदेश आता तुम्हारा तो खिल जाते दिन सूरजमुखी से। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेम कविता है,
प्रेमी के का संदेश आने से दिन कैसे सूरजमुखी के फूल की तरह खिल जाता है, ये अंत है। लेकिन शुरुआत मैंने इस बिंब से की है कि दिन आजकल सूरजमुखी की तरह खिले हुए महसूस नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे आसपास इतना कष्ट है। हमारे जो त्योहार हैं उन पर, या जो एक खुशी का माहौल हमें धर्म की अफीम के द्वारा बांट दिया जाता है, वो काफी ऊपरी है दोस्तों। हम बड़े कष्ट में भी मंत्रोच्चार करके, पूजा करके, फूलों की पंखुड़ियों को छिड़क छिड़क कर खुश हो लेते हैं, लेकिन हमारी क्या असल प्रगति हो रही है? एक भव्य दिव्य मंदिर हमने बना लिया, तो क्या उससे हम बहुत प्रगतिशील हो जाएंगे? हमारी समस्याओं का समाधान अयोध्या वासी हर व्यक्ति को 2 जून की रोटी मिल जाएगी? नहीं मिल रही ना, तो अगर नहीं मिल रही तो हम कैसे उससे खुश होंगे, ये बताइए। कैसे हम उस पूजा में शीश नवाकर सोचे कि हम कृतज्ञ हो जाएं, ये कभी संभव नहीं है। हमारे पास ये ज्ञान भी है कि जो ये इतनी मूर्तियां हैं, सबका विसर्जन इन्हीं नदियों में होगा, नदियां वैसे ही इतनी सूख रही हैं, उनमें और मिट्टी जाएगी, तो हमारे तो पीने का पानी भी साफ नहीं है, कौन उनको साफ करेगा? बाढ़ की जो राजनीति है, जो सूखे की है, जो हमारे मौसम चक्र के बदलने की है, सबका रोना हमें ही रोना है, तो कभी को इन सब को ध्यान में रखना होता है इसलिए। लेकिन फिर भी प्रेम जो है वो इन सबसे ऊपर है, और प्रेम ही इन समस्याओं का निदान भी है। तो अगर दिनों को सूरजमुखी की तरह खिलना है तो प्रेम ही ऐसा कर पाएगा। इसी तरह से बहुत सी कविताएं, सुनो कामिनी, चिड़िया और आईना, चिड़ियों पे बहुत सी कविताएं हैं इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब बस करना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है। और धन्यवाद दोस्तों, हफ्ता वसूली कविता मुझे मिल गई है, तो आप कहिए तो मैं जल्दी से सुना दूं आपको। अर्पण जी का कोई संदेश नहीं आ रहा है, तो जब तक उनका अल्टीमेटम नहीं आता तब तक मैं जल्दी से एक कविता सुना देती हूँ, हफ्ता वसूली, और इस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल प्रवासी राजनीति है। हजार लोग जाते हैं विदेश, हजार लोग जाते हैं विदेश, और किसी का स्वागत यों नहीं होता कि बदौलत पति के तुम आई यहाँ। हजार महिलाएं शादी कर पहुंचती हैं पति के साथ, और किसी से बातों का नहीं बैठता ऐसा सिलसिला जिसमें पति की तारीफ का ऐसा हिसाब हो। ये अस्मिता की लड़ाई नहीं है, ये ईगो क्लैश नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। तो उसको आप कहिएगा कि कविता पे थोड़ा सा तो आवरण चढ़ना चाहिए, लेकिन अर्पण जी कह रहे हैं कुछ और कविताएं ले लें, ठीक है, इसके बाद कुछ एक और कविताएं सुनाते हैं जी। धन्यवाद, लोग जुड़े हुए हैं, अर्पण जी कह रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया। तो मैंने बड़ा खुल कर ये लिखा है कि ऐसा कई बार होता है कि आपको बजाय ये कहने के कि आप बड़े अच्छे कपल हैं, अगर लगातार कहा जाए कि भाई आपकी पत्नी तो बड़ी ये है या आपके पति बड़े वो हैं, तो उससे समस्या होती है। तो दाम्पत्य जीवन के खींचतान की एक कविता है जिसमें पति की तारीफ का ऐसा हिसाब हो मानो पत्नी की सहमति दर्ज कराई जा रही हो उसकी काबिलियत पर, और एक शब्द नहीं दोनों के साथ के लिए। धन्यवाद तारावती मैम, कह रही हैं बहुत संवेदनशील विषयों पर हैं आपकी कविताएं, शुक्रिया मैम। मैं कुछ ऐसे विषयों पर लिखने की कोशिश करती हूँ जिन पे कम लिखा गया है, दाम्पत्य जीवन के ही ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो सचमुच वास्तविक हैं। अगर हम आपस में बैठें तो हम ये बात करते हैं, लेकिन अच्छा ऐसा नेताओं के साथ भी होता है ना, कि आप देखिएगा कि विरासत में मिली हुई चीज़ों को हमेशा लोगों को डिफेंड करना होता है। विरासत से मेरा मतलब है जैसे पति की बदौलत भी मिली हुई, मतलब इमिग्रेशन स्टेटस भी, तो उसको डिफेंड करना होता है। लेकिन बहरहाल, तो एक शब्द नहीं दोनों के साथ के लिए हजार लोग जाते हैं विदेश, और पुलिस ऐसी मिठास से डंडा खड़काती हफ्ता वसूली के लिए नहीं करती फोन। ये क्यों सारे अजीबो गरीब अनुभव चलते चले आते हैं मेरे ही झोले में। तो ये कविता है एक, कहिए कि एक यूनिक एक्सपीरियंस की
मेरे साथ ये वाकई मेरी एक अनुभव से उपजी हुई मेरे एक अनुभव से उपजी हुई कविता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, खुद से ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। और हम इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं कि ऐसा आप ही के साथ केवल नहीं हो रहा, दरअसल ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस का थोड़ा सा अलग अलग चेहरा होता है, अलग अलग ढंग से वो होते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ था कि एक हल्की सी गाड़ी की टकराहट के बाद मेरा नंबर उस लोकल पुलिस के पास चला गया, और उन्होंने जो डोनेशन मांगने के लिए मुझे ठीक फोन करना शुरू किया, ठीक मेरे खाना बनाते समय, वो ख़त्म ही नहीं हो सिलसिला, उसी पे ये कविता है हफ्ता वसूली, तमाम इस तरह के उसको लेके। और ये जितनी इसमें बातें मैंने कही हैं, पति पत्नी में से एक की ही तारीफ की या एक के ही बदौलत सब कुछ की, वो अनंत दाम्पत्य जीवन की कथाएं हैं। तो इस तरह से है ये सब कुछ दोस्तों। अब मैं कुछ एक और कविताएं इससे सुनाती हूँ आपको, जो मेरा चौथा संग्रह है। कुछ नदियों पर बहुत सी कविताएं हैं इसमें, आप चाहें तो कुछ मैं उससे सुनाती हूँ। चंपारण शहर पे एक कविता है और बहुत सी कविताएं हैं, बहुत जीवन के कुछ बहुत अद्भुत पहलुओं पर। जैसे एक कविता है एनिमेशन, वो हमारे तकनीकी विज्ञान कविता आप इसको कह सकते हैं। इधर मैंने वायरस और वैक्सीन पर भी लिखी है, लेकिन ये इसमें दो कविताएं हैं, एनिमेशन और सल्वाडोर दाली और वायरलेस युद्ध, जो फोन के एक नियत समय पर बजने की गुत्थी पे लिखी हुई कविता है, जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से है कि अजब सपना था बिल्कुल हकीकत जैसा, मेरा हर वक्त बेवक्त ही बजने वाला फोन लगातार बज रहा था बेवक्त। और इस तरह से ये कविता आगे चलती है। एक कविता मैं आपको और सुनाती हूँ, पुलिस का सायरन, और फिर एक कविता नदी और चंपारण पर सुनाती हूँ। एक कविता है नदी का बिगड़ना, कई बार नदी के गहर उसके बस में नहीं होते। सुनिए पुलिस का सायरन हफ्ता वसूली के बाद। पुलिस का सायरन तो कोई कविता का विषय नहीं है ना, पुलिस का सायरन तो कोई कविता का विषय नहीं। ठीक है कि अब लिखित रूप से उसका होना परिभाषित हो गया है आपके लिए और आपके साथ, अर्थात पुलिस का, पुलिस बताई जा रही है कि आपके लिए आपके साथ। और पुलिस के अत्याचार के किस्से इस बीच हमने जितने सुने, उसने इस स्लोगन को कहिए कि बेकार कर दिया। राजधानी की पुलिस का कम से कम और सबसे ज्यादा, वह अब नागरिकों का अपना पुलिस बल है, घोषित रूप से नागरिकों की ओर। पुलिस अब सत्ता की नहीं, पुलिस अब सत्ता की नहीं, पुलिस अब कभी कभार ही करती है लाठीचार्ज। नागरिकों की भीड़ भी काफी बेकाबू हो सकती है, चैतन्य जागरूक और सही भी, जबकि उसी के भीतर घटी होती हैं सारी दुर्घटनाएं। ठीक है कि थाना सुरक्षित भी है और बदनाम भी, अंदरूनी इलाकों में कहते हैं पुलिस के पास अशेष गोलियां हैं, अंदरूनी इलाकों में कहते हैं पुलिस के पास अशेष गोलियां हैं, नक्सलवादी कौन है ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कैसे घरों के भी समय असमय से ताल मिलाकर बजता है पुलिस का सायरन, परेशानी का विषय और अवाक करने वाला सवाल है। तो आप इसको देशी विदेशी परिदृश्य में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नक्सलवादी जो इस बीच आंदोलन भी हुआ, हम सब ने वरवर राव जी की रिहाई के लिए कितनी गुजारिश की, सिग्नेचर किए, लेकिन शायद वो हुई नहीं है अब तक। उनको कोरोना हुआ, वो हॉस्पिटल में गए, उनकी तबीयत कितनी बिगड़ी, आशा है कि अब वो बेहतर है। लेकिन नक्सलवादी कौन है, क्या गौतम नवलखा जी हैं, क्या मतलब नए हिरासत कोविड के समय में करना क्या ज़रूरी है, क्यों नहीं उनको जेल से बाहर घर में ही नज़रबंद किया जाता,
तो इस तरह के सवालों को लेकर पुलिस का ये सायरन को लेकर के ये कविता है। मैं एक कविता आपको चंपारण पर भी सुनाना। चंपारण आप सब जानते होंगे कि बिहार का एक शहर है और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है गांधी आंदोलन की वजह से। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी ने यहाँ आंदोलन शुरू किया था। चंपा का अरण्य नहीं है चंपारण, तो ये शब्द जो है हमारे तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो ये जो हो गया है चंपा और अरण्य के संधि से चंपारण, उस पे कविता है। चंपा का अरण्य नहीं है चंपारण, अब कहाँ कोई शहर फूलों से उस तरह भरा हुआ। पहले हर शहर इतना ज़्यादा, यहाँ भी केतकी और केवड़े और नागचंपा और नरगिस तक के फूल थे, अब इनकी कल्पना यहाँ संभव नहीं है ऐसे शहरों में छोटे बिहार के। चंपा का अरण्य नहीं है चंपारण, न गंडक की कार्यशाला, न गंडक की कार्यशाला, बस पूरा प्रांत ही कुछ इस तरह नदियों की चपेट में है। बस पूरा प्रांत ही कुछ इस तरह नदियों की चपेट में है कि एक ही मौसम वहाँ असल मौसम लगता है, बरसात का। और हर साल बाढ़ से कराहते उस प्रांत के लोगों ने छोड़ दिया है ये सवाल तक करना कि कैसे है ये मौसम इतना जानलेवा, इस डर से कि कहीं वशीकरण के नाम पर हत्या न हो जाए उनकी नदियों, कि कहीं वशीकरण के नाम पर हत्या न हो जाए उनकी नदियों की। वे वाकई चिंतित थे, उनके जलाशय पहले ही भर दिए गए थे, उनकी लगभग सारी खाली जमीन बसाई जा चुकी थी। और हालांकि नक्शा तो कहते थे कृषि में अव्वल, पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा का कटोरे जैसा है, लेकिन वहाँ एक नागरिक या नागरी क्रांति पूरी हो गई लगती है, शहरी विकास वाली, जिसमें शहर अपने पानी के सब बहावों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। वो अराजक नहीं होते, उनके रास्ते बंधे और बटे होते हैं, मतलब मिला होता है उन्हें निकास और प्रवाह का रास्ता। वो बातें जो बच्चों की क्लासों में हड़प्पा की प्राचीनतम सभ्यता के विषय में पढ़ाई जाती थी, हासिल कर ली गई थी यहाँ और कई और विकसित प्रांतों के शहरों में। हालांकि बरसात कई महानगरों की खबर घंटों में ले लेती थी, और कई जगहें थी जहाँ इन सब बातों की घनघोर लड़ाई और यही सच्चाई थी अपनी सभ्यता पर खोखले गर्व की, ढेरों बातों के बीच का यही था विकट सच। ढेरों बातों के बीच का यही था विकट सच, और नदी खंगाल रही थी लोगों की आत्मा और देह, और नदी खंगाल रही थी लोगों की आत्मा और देह, खेत और खलिहान, मानो नदी में बसते हों प्राण, मानो नदी में बसते हों प्राण और उसकी पागुर में साल भर की पैदावार। नदी की पागुर, पागुर शब्द से पता नहीं आप परिचित हैं या नहीं, गाय भैंस जो है वो जब अपना दाना पानी खा लेती है जल्दी जल्दी, तो फिर वो घंटों उसका पागुर करती है। धन्यवाद रजत कृष्ण जी, कविता में यह करुण राग गहरे संवेदित करता है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेहा, तुम्हारी बहुत खुशी हुई। नेहा सत्यार्थी जी बहुत अच्छी छात्रा हैं और जल्दी ही अपना शोध पूरा करेंगी। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी नेहा, और अच्छी लग रही है तुम्हें कविता। रजत कृष्ण जी को विशेष धन्यवाद है। क्या मैं इस संग्रह से कुछ एक और उस तरह की कविताएं सुना दूं चलते चलते? अर्पण जी कह रहे थे कुछ एक कविताएं और सुना दीजिए। अब जैसे एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी की चोरियां भी इसमें एक कविता है, लेकिन इस तरह से इसमें कई दिलचस्प कविताएं हैं। यही जो संग्रह है बहस पार की लंबी थी, इसमें एक स्त्री पुरुष विषय कविता सुना देती हूँ चलते चलते। आदमी और औरत, बहुत समय हुआ हमें कोविड में
उसमें यात्रा किए हुए मेट्रो में, तो ये कविता मेट्रो की यात्रा स्त्री सुरक्षा से जुड़ती हुई है। अच्छा, कुछ कविताएं हैं मेरी जिन इसमें से जिनको यूट्यूब पे बहुत पसंद किया गया है। पक्षी और अर्थ एक ऐसी ही कविता है जिसको यूट्यूब पे बहुत पसंद किया गया है। उसी तरह से हजार द्वारी कविताएं, तो जीव जंतुओं को लेकर भी इसमें बहुत सी कविताएं हैं। बिल्ली पे कविताएं हैं, बिल्ली पे बहुत प्रतीकात्मक कुछ कविताएं हैं। तो अब आप जो कहिएगा, एक उनमें से मैं एक सुना दूंगी, जगमग रहस्यों वाली बिल्ली या निशांत की ओर। आदमी और औरत सुनाती हूँ, पहले आदमी और औरत सुनाती हूँ। अपने उखड़े उखड़े हाव भाव रुखड़ी मुद्राओं, उजड़े उजड़े वेश विन्यास से मुझे कुछ अपना सा लगा था वह, मुझे कुछ मेरे जैसा लगा था वह। उसका मेरा पेशा एक था, जबकि बहुत बहस थी कि वह पेशा था भी या नहीं। कला पर ये कविता है, कला पर भी और बहुत सी जुड़ी हुई बातों पर। जबकि एक बहुत बड़ी बहस थी कि वह पेशा था, जबकि बहुत बहस थी कि वह पेशा था भी या नहीं। कहीं ना कहीं तो ये प्रोफेशनलिज्म इसमें होता ही है हर कला में, और फिर वो एक पेशा होता ही है, और जितनी जल्दी हम इसको स्वीकार लें उतना अच्छा है। ऐसी सी थी बहसे पैदाइशी हुनर पर, ऐसा था शास्त्रार्थ कला मंदिरों में, लेकिन उसकी उखड़ी उखड़ी बातों से जैसे बहुत हुआ हो उखाड़ना उजाड़ना यहाँ, भूलना विसारना यहाँ। धांधलियाँ हो लोगों के परिचय में, बांधने में परंपराओं से उन्हें, बताने में रिश्ते उनके, और इन सब से परेशान था वह कुछ कुछ मेरे जैसा था। वह मेरे जैसा यूं भी था कि सब में उसके साथ बेईमानी हो गई थी। दोस्तों, ये कविता इस पे है कि हम हर किसी को लगता है कि ये जो परिचय का खेल है, परिचय अर्थात साहित्यिक परिचय, यहाँ वहाँ तमाम बड़े आयोजनों से लेकर बड़े बड़े मंचों तक, किसकी कहाँ तक पहुँच, ये जो कला के आकलन की राजनीति है उस पे ये कविता है। और उसमें जो उसका जो स्त्री और पुरुष पक्ष है उसमें है ये, और उसके बीच की जो मैत्री है उसमें है। तो ये अपन जी इससे रिलेट करेंगे। इन सब बेईमानियों पर अपनी नाराजगियाँ जाहिर करता, इन सब अच्छा ये कला की ही दुनिया में नहीं, हम इसका बाहर भी विस्तार कर सकते हैं, ये विज्ञान की भी दुनिया में है, ये हर दफ्तर की कहानी है। आप हर दफ्तर पे जितने उपन्यास हैं उनको पढ़िए तो आप देखिएगा कि उसमें इस तरह की बातें हैं। कंपटीशन जो होता है आपसी उसको लेकर, और वहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, और फिर उससे लोग जुड़ते हैं कि सब कुछ में बेईमानी हो गई थी उसके साथ, इन सब बेईमानियों पर अपनी नाराजगियां जाहिर करता, वह कुछ कुछ मेरे जैसा था। अपनी बातों में चट्टानों पर माफ कीजिएगा सॉरी अपनी बातों में चट्टानों पर नंगे पांव चलने का खुरदुरापन लिए, वह कुछ कुछ मेरे जैसा था। अपनी बातों में बेहिसाब तलखी लिए, वह कुछ कुछ मेरे जैसा था। एक अक्खड़ आवाज की कल्पना है इसमें दरअसल, लेकिन वह मेरे जैसा बिल्कुल नहीं था। जब रात को अंधेरा थोड़ा भी गहराने पर हम सड़क पर होते थे या बाहर कहीं दिन के भरे उजाले में, या मेट्रो के भीड़ वाले डब्बे में, वह मैं माफी चाहती हूँ, वह मेरे जैसा नहीं था। वह आदमी था, मैं औरत थी, और इन सब बातों के अचानक प्रकट होने पर या गुप्त रूप से आहिस्ता आ धमकने पर, मंद मंद मुस्कुराने पर भी बत्ती के कटे में एक साथ कई मोमबत्तियों की लौ हमारे बीच जल रही थी। तो दोस्तों, ये स्त्री पुरुष की अलग अलग
काम की स्थितियों को लेकर लिखी हुई कविता है और आशा है कि आपको अच्छी लगी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, अमूमन ये होता नहीं लेकिन ऐसा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे खांसी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मौसम का कुछ कहर होगा और ये 2 मिनट में ठीक भी हो जाएगा, लेकिन अफसोस हो रहा है कि आपसे विदा लेते हुए आवाज़ जो है वो इस तरह से हो रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि विदा का समय है। बहुत धन्यवाद, और आप जब कहेंगे मैं फिर से और कविताएं लेकर हाजिर होती हूँ। अनंत कविताएं हैं इसी तरह की, इसमें बर्खास्तगी पर एक और कविता है, व्यक्तिवाद पे कविता है, चाय पर भी एक कविता है जिसकी अब तलब मुझे हो रही है और शायद आपको भी हो रही होगी। तो चलते चलते एक सुना देती हूँ छोटी सी। चाय की लत से बदतर, या छोड़िए फिर कभी जब हम शुरू करेंगे तो चाय से शुरू करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इसके साथ में धन धन्यवाद देती हूँ अर्पण जी को। बेटा